वेलकम बैक टू मैनी बोला वीडियो, फिर से स्वागत है आपको मेरे चैनल जोसे बोला यूट्यूब चैनल में दोस्तों। सो गाइज फाइनली आज हम लोग नाकटी, और आज नाकटी में मतलब कि उद्घाटन हो रहा है आज का टूरिज्म प्लेस है जो और खूबसूरत बनाया है आप लोगों के लिए, जो जो भी पब्लिक लोग यहाँ पर आएंगे उन लोगों को सारा सभी लोगों के लिए। सो किस तरह से उद्घाटन इस तरह चीज़, बहुत सारे बड़े बड़े पब्लिक लोग भी आए हैं सर, सबसे बड़ा बड़ा। चलिए दिखाते हैं किस तरह से ब्लॉगिंग कंटिन्यू बने रहना। चढ़ने से पा लीजिएगा किस तरह का पोस्टर बैनर बड़ा सा लगाया गया है, एंड बहुत सारे इधर आए हैं नेता पेता सब, नेताजी सब। चलिए दिखाते हैं गाड़ी, देखो भीड़ यार भाई साहब। इधर आए हैं एसडीएम का कार गाड़ी, इसके बाद सीओ का, इसके बाद डीसी का, बहुत सारा पब्लिक लोग आया है यार, भाई लोग आया है, एंड इधर भी है यार। तो अभी किस तरह से दिखाएंगे पूरा, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज़्यादा देर तो नहीं रहेंगे, उधर कुछ दिखाते हैं किस तरह से होगा ये सारा चीज़। और बहुत सारा पब्लिक बड़े बड़े नेता सब आए हैं। अब नाकटी डैम में आज उद्घाटन हो रहा है, इधर जो इको पार्क जी सब बनाए हैं उसका भी उद्घाटन हो जाएगा, और प्लस ऊपर ये सारा चीज़ जो जो किस तरह से, और इधर पेंट वगैरह करा दिया गया है, तो दिखाते हैं चलिए। दोस्तों अभी हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर, देख सकते हैं यहाँ पर सतर पर हम लोग का भाई लोग सादा लोग बढ़ रहे हैं इधर रहा है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके नाकटी डैम डिस्टिनेशन, तो आज यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है इको पार्क एंड इधर का पार्क एंड इधर जो बोटिंग है सारा चीज़। तो दोस्तों आप लोग किस तरह से बोटिंग के यहाँ पर उद्घाटन हुआ है ये सब इधर दिखाएंगे। बड़े बड़े साहब सब आए हैं हमारे स्टेट के, कुछ बड़े बड़े पदाधिकारी सब भी आए हैं, तो चलिए उधर कुछ दिखाते हैं व्यू वगैरह। मछली सब क्यों वहाँ पर ही करेगा, अभी दिखाते हैं। मछली छोड़ रहा है गाइस, देख सकते हैं। और एक बाल्टिंग दे दीजिए, सानी सानी क्या आज उद्घाटन हुआ गाइस नाकटी डैम लाइव, बहुत सीकेपी लाइव वाला पब्लिक लोग भी आए हैं। चढ़ना मुश्किल है मैम। थोड़ा सा आज जो आप लोग यहाँ पे काफ़ी सारे नए जो मौका भी दिया गया है, तो इससे क्या लगता है कि मतलब पर्यटन को यहाँ पे जो है बढ़ावा मिलेगा इससे?
झारखंड बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, जल जंगल जमीन जिसकी हम लोग बात करते हैं। तो ये जल जंगल जमीन सिर्फ अपना अस्तित्व पहचान के लिए नहीं, बल्कि इसको रोजगार के रूप में, अपने पेट पालने के रूप में भी इसको हम लोग अगर करें तो आने वाले दिनों में झारखंड के लोगों को इसका भी बहुत लाभ मिलेगा। आज कई ऐसे प्रदेश हैं जो टूरिज्म, सिर्फ टूरिज्म पर अपना प्रदेश चला रहे हैं। तो ये संभावना, असीम संभावना झारखंड में भी है और विशेषकर सिंहभूम में, जहाँ सरंडा का गिरा जंगल है, कोराहट का जंगल है और कई सारे जलाशय हैं, डैम है, नदी है। तो मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा और डेवलप कर दिया जाए तो आज जो लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर प्रदेश घूमने जा रहे हैं, उनको यहीं कई सारी चीज़ें उनको यहीं उपलब्ध होंगी और जो रोज़गार के लिए भी जो पलायन हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं रुकेगा। आज यहाँ बहुत ही छोटा सा पार्ट आज हम लोगों ने किया, नौका बिहार का है और आज हम लोगों ने मछली पालन भी किया, तो इनसे भी बहुत सारे रोज़गार यहाँ सृजन हो सकते हैं। और जिला प्रशासन, इस पर मैं उसको बहुत धन्यवाद करती हूँ कि लोगों ने पिछले दिनों प्रस्ताव रखा और डीसी साहब ने इसको तत्परता से इस कार्य को किया है। मुझे लगता है कि और भी जो ज़िले में और भी डैम है या और ऐसा स्पॉट है उसको और थोड़ा डेवलप किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। थैंक यू। इधर घुमाइए उसको ना इसे। मेन आदमी यही है, समिति के अध्यक्ष जाली एकदम सही आदमी को पता है, एकदम एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, एक्टिव कोई बनाए भाई लेके बढ़ते हैं। मैडम को भेजने के समिति के तरफ से आइए लेकर जी देखो बिल्कुल नहीं, वो अहम है, हम लोग सभी को इंक्लूड कर सकेंगे। जी 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 जी। फाइनली यहाँ पर जो उद्घाटन होने वाला था इको पार्क, बोले तो डॉक्टर डैम का जो उद्घाटन फाइनल बेसिकली हो गया था, बट मॉर्निंग में हम लोग थोड़ा थोड़ा लेट हुए, बट कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग वगैरह सारा चीज़ अच्छा लगा, अच्छा तो लाइक एंड सब्सक्राइब से भर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।